अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसी टीम बन गई हुई है जो ऑन द डे किसी को भी हरा देगी इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। अरे बदला तो डेफिनेटली फिर हर किसी को कम्पीट करने का तो शौक होता है और डेफिनेटली वो भी अब आए अगर ग्राउंड में तो वो भी अपने अच्छे से अच्छा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह के मैचेस में पाकिस्तान भी अच्छा परफॉर्म करता है तो वो भी उनको टफ टाइम ही देंगे। तो पाकिस्तान को इंडिया को हराना है तो आप क्या मशवरा देंगे? भारत जैसी टीम को अगर आपने हराना है और वही इसी तरह की ज़बरदस्त बॉलिंग और जो नए लड़कों का जज्बा है, देखें जो नए लड़के होते हैं उनमें जज्बा होता है जीतने का, जो पुराने और घिसे पिटे खिलाड़ी थे पहले हमारे पास वो खेल खेल के थक चुके थे, उनमें वो जज्बा ही नहीं था खेलने का, उनको सिर्फ पैसे कमाने थे और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीम में रहना था। जय हिंद दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे रह गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में क्या कह रहा है और इंडिया को हराने का क्या पाकिस्तान का स्ट्रेटजी है, आइए पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। खासतौर पर आपको लगता है कि रोहित शर्मा जो वनडे क्रिकेट में 200 से ज्यादा मरतबा 200 रन की इनिंग खेल चुके हैं उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन वो बड़े कूल कस्टमर हैं। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ज़रूर इन एक्सपीरियंस है, लेकिन आई बिलीव के जो कॉम्बिनेशन है कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी ओपनर का उसका फायदा उठा सकता है पाकिस्तान। दोस्तों इस पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ओपनर है उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन आगे देखिए ये पाकिस्तानी मीडिया कैसे अपने ही खिलाड़ी को तनकीद कर रहे हैं। इस पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे लोग भी घुसे हुए हैं जो स्पॉन्सरशिप और पैसे के लिए टीम में सिर्फ जगह बनाए हुए हैं। अभी भी कुछ लोग सिर्फ अपने पैसे कमाने और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में जो है या कोई लीग्स खेलने के चक्कर में टीम में घुसने की कोशिश करते हैं पुराने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनमें जज्बा खत्म होता है उनको हटाते जाएं। तो ये नए लड़कों पे मुझे भरोसा है, ये बड़े जज्बाती लड़के हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं। दोस्तों कुछ ही घंटे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के ये नए क्रिकेटर हैं, नए लड़के हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम को किस तरह से चुनौती दे पाते हैं। वैसे याद होना चाहिए कि पिछले साल पाकिस्तान के ये नए खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम को हरा दिया था। दोस्तों आगे की वीडियो में देखिए दूसरे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर और इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा, यानी वो कहते हैं ना गंजे होते ही ओले पड़ने, तो यानी जैसे ही अपनी आप एशिया कप की कैंपेन शुरू करेंगे तो भारत से होगा मुकाबला। ये मैच सिर्फ मैच की हद तक होगा, प्रेशर नहीं होगा बाबर और रोहित शर्मा के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान और वो भी एक तरह का न्यूट्रल वेन्यू है जहाँ पे दोनों के फैंस होंगे, प्रेशर के बगैर तो इंडिया पाकिस्तान गेम हो नहीं सकती, किसके ऊपर ज़्यादा होगा। अब ये मैच से पहले तो ये है कि शाहीन को ना देख के ग्राउंड में उनके हौसले तो बुलंद होंगे, लेकिन बुमराह भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी उनके लिए बहुत, जैसे शाहीन का रोल है ऐसा ही इंडियन बॉलिंग में उसका भी रोल है, लेकिन फ़र्क क्या है, बॉलिंग अगर देखें तो दोनों की एक ही टाइप की नज़र आती है, फ़र्क है बैटिंग का, इंडियन बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। दोस्तों किस टीम पे कितना प्रेशर होगा ये तो एक सप्ताह पहले ही पता चल गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेन बॉलर शाहीन अफरीदी इंजर्ड होके एशिया कप से बाहर हो गए थे, और शाहीन अफरीदी के इंजर्ड होते ही बहुत पाकिस्तानी ने तो मान लिया था कि अब वो एशिया कप में इंडिया से नहीं जीत पाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एवं पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इस बार भी वो इंडिया को बुरी शिकस्त देगा क्योंकि पिछले बार वर्ल्ड कप में इंडिया को उन्होंने 10 विकेट से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान टीम से काफी मजबूत है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के पास एक्सपीरियंस बल्लेबाज और एक्सपीरियंस बॉलर की कमी नहीं है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नए नए बॉलर और नए नए बैट्समैन हैं, इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम इस एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराएगा। लेकिन दोस्तों ये एक क्रिकेट है और उसमें भी 2020 क्रिकेट मैच, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है मैच से पहले। तो दोस्तों कुछ ही देर में इंडिया पाकिस्तान मैच शुरू हो जाएगा और देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस बार जरूर जीतेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इंडियन क्रिकेट टीम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा टीम पाकिस्तान टीम को हरा पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जीतेगा अपना इंडिया।